guys, welcome back to another video of Cosmic Glam. How are you guys? I hope you're well. Today I'm going to review a face wash जो है arish के पाल face wash. काफी दिनों से मुझे बहुत ही लोगों ने request किया था दी आप arish की पाल face wash का जो है review कर दीजिए, तो इसीलिए मैं जो arish की पाल face wash को जो आज मैं review करने वाली हूँ. तो चलिए guys, इस video को जल्दी जल्दी से start कर देते हैं. तो guys, arish का जो पाल face wash है, you can see this is the pearl face wash. सो गाइज, फर्स्ट आती हूँ इसके पैकेजिंग के बारे में. पैकेजिंग काफ़ी गुड लुकिंग पैकेजिंग है, स्टार्डी है एंड गाइज ये इजीली ट्रैवल फ्रेंडली है. एंड इसका जो प्लास्टिक का बॉडी है एंड ये जो पाम के थ्रू जो है प्रोडक्ट फेस वॉश जो है बाहर आती है, बहुत ही कन्वीनियंट है. हाइजीनिक लगा इसका जो पैकेजिंग मुझे. एंड गाइज, इसका जो प्राइस है ये 250 फॉर 100 ml. एंड इसका जो सेल्फ लाइफ है गाइज ये 3 ईयर्स. तो गाइज, बेसिकली जो ये फेस वॉश इसने दिया है पाल फेस वॉश फॉर ऑयली स्किन. तो गाइज, इसका जो मेन इंग्रेडिएंट है वो है ग्रीन टी, डूरबा, क्यूकम्बर, एमिनो प्रोफाइल बेटाटाइन, कोकोटी, गर्ल सिल्क 700, सोडियम वेनेजर, लेमन ऑयल, पाल सनसेट येलो, प्यूरिफाइड वाटर. तो गाइज, इसका जो पूरा इंग्रेडिएंट जो है बहुत ही अच्छी है, नेचुरल है. एंड गाइज, इसका जो मेथड ऑफ यूज इसने दिया है, अप्लाई ऑल ओवर द फेस एंड वॉश इट विद वाटर, यूज 2 टाइम्स डेली एंड फॉलो अप विद अ टोनर. तो गाइज, इसका जो इंडिकेशन दिया है, इंडिकेशन है इफेक्टिव फॉर डीप क्लींजिंग एंड ऑल्सो फॉर सेंसिटिव एंड ऑयली स्किन, इट गिव स्किन अ फ्रेश लुक. तो एज वी नो, जो प्रोडक्ट को जो है कूल एंड ड्राई फेस में जो है स्टोर करना है. तो गाइस, चलिए देख लेते हैं इस प्रोडक्ट का जो कैसी टेक्सचर है. यू कैन सी प्रोडक्ट आसानी से जो बाहर निकल रही है, जो बहुत ही अच्छी है. आपको बहुत ही अच्छी है ये. यू कैन सी वाइट जो है पूरा जेल है. एंड गाइस, ये जो है थिक भी नहीं है एंड रानी भी नहीं है, बहुत ही अच्छी है ये जेल. यू कैन सी इसका जो कंसिस्टेंसी है, वेरी क्रीमी है, माइल्ड है, जेंटल है आपके स्किन के ऊपर, बहुत ही अच्छी है गाइस. यू कैन सी हाउ लुक लाइक अ जेल, इट्स अ जेल बेस्ड फेस वॉश एंड बहुत ही अच्छी है. यू कैन सी. तो गाइस, माय एक्सपीरियंस ऑफ दिस प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट जो है बेसिकली ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन के लिए ही है गाइस. एंड प्रोडक्ट जो है काफ़ी अच्छी लगी है मुझे, क्योंकि जिसका भी ऑयली स्किन है वो जो बहुत ही स्किन जो चिपचिपा हो जाती है, स्किन में जो एक डार्क डल जो स्किन हो जाती है, उसके लिए ये फेस वॉश बहुत ही अच्छी है. तुरंत ही आपके स्किन में ये फ्रेश कर देगा एंड आपको 1 वीक यूज करने के बाद आपको स्किन में जो एक फेयर वाइटनिंग जो है ये थोड़ी बहुत कर देगा, स्किन को जो लाइटनिंग कर देगा. मैंने इसे यूज किया तो मैंने इसको इसके साथ मैंने ये देखा, ये फेस वॉश बहुत ही अच्छी है आपके स्किन के लिए. तो गाइस, कॉम्बिनेशन स्किन वाला आप ना यूज कर तो अच्छी है, क्योंकि मेरे भी कॉम्बिनेशन स्किन है. मैं फेयर एंड व्हाइट फेस वॉश ज्यादा पसंद करती हूँ, क्योंकि वो ड्राई नहीं करती है. बट ये ऑयली एंड सेंसिटिव स्किन के लिए है, तो इसलिए पाल फेस वॉश जो ऑयली सेंसिटिव स्किन वाले आप लोग यूज कीजिए. तो गाइस, ये फेस वॉश काफी अच्छा है, तो जिसके भी ऑयली सेंसिटिव हो तो चलिए आप ज़रूर इस प्रोडक्ट को गिव अ ट्राई एंड यू गेट अ गुड रिजल्ट गाइस. मैं कह रही हूँ क्योंकि मैंने इसे यूज़ किया था, तो दैट्स वाई मैंने आपके साथ ये शेयर किया एंड रिव्यू किया. तो मेरा वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही तो मेक श्योर मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. टिल देन बी सेफ एंड बी हैप्पी. बाय बाय.